हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कटारी फायर एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फायर प्रिवेंशन के बारे में। बहुत सारे कमेंट आए हमारे पास कि सर फायर प्रिवेंशन के बारे में बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि फायर प्रिवेंशन होता क्या है, फायर प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आग लगती कैसे है। हम किसी का हमें यह पता होगा कि आग लगती कैसे है, तभी तो हम उसका प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंशन बोले तो आग की रोकथाम, फायर प्रिवेंशन बोले तो आग की रोकथाम। अब आग से रोकथाम कैसे करेंगे जब हमें आग लगने के कारणों का पता होगा? तो जिनको आग लगने के कारणों का नहीं पता है वो मेरी बैक वीडियो देख सकता है, मैंने जस्ट ही अपलोड किया है एक दिन पहले, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे फायर प्रिवेंशन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फायर प्रिवेंशन, आग की रोकथाम कैसे करें। तो आग की रोकथाम के लिए आग लगने के कारण को पता लगाना होगा। आग लगने का कारण होता है शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट से हमें बचाव कैसे करेंगे, हमारा प्लांट, हमारा वर्क प्लेस सुरक्षित रहे। तो कोई भी लूज फिटिंग नहीं होनी चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रयोग किए जा रहे वो सारे ISA अप्रूव्ड होने चाहिए। कोई भी तार नंगा नहीं होना चाहिए, सबको टेप लगा करके इंसुलेटेड करना चाहिए। पहली बात तो नंग कहीं पे भी जॉइंट ना दो, कम से कम जॉइंट होने चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं कि जॉइंट ही ना हो, लेकिन हमेशा कोशिश ये करो कि इलेक्ट्रिकल की लाइन में कहीं पे भी जॉइंट ना हो, और खासतौर पे जहां पे पैलेंट के पास में वो एंट्री या एग्जिट कर रही है वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि मान लिया हमारे पास प्लग है, एक हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल के सॉकेट है जिसमें हम अपने प्लग लगाते हैं एक ही में, एग्जांपल देता हूँ, अच्छा एग्जांपल है, अपने अपने घरों में हम क्या करते हैं, एक ही प्लग में तो मोबाइल का ठोक दिया, उसी प्लग में हम अपना टीवी चला रहे, उसी प्लग में पंखा लगा दिया। आप एक ही के ऊपर इतना लोड दे रहे हो डियर, उसी में पंखे की मोटर चल रही है, उसी में आपका मोबाइल चार्जिंग हो रहा है, उसी में आपने के अपना टीवी कंप्यूटर लैपटॉप चलाया हुआ है, उसी में दो के मोबाइल लोड ठोक दिए, तो अब क्या होगा, वहां पे कंजप्शन बढ़ जाएगा। एक हमारा जो एस्टेंड बोर्ड था उसी कैपेसिटी है कि वो 240 तक ही वोल्ट दे सकता है। अब हमने उसके ऊपर पंखा मोटर वोल्टेज हीटर फ्रिज सब कुछ उसी में ठोक दिया, अब उसका कंजप्शन बढ़ गया तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और आग लग जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, एक प्लग के लिए सिर्फ एक ही का यूज करो, एक स्विच एक ही प्लग, तो फायर प्रिवेंशन इलेक्ट्रिकल से हो गया। दूसरा मोटरें, जो भी हम मोटरें चलाते हैं उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल की जितनी भी मोटर तो सभी इलेक्ट्रिकल से चलती हैं, तो उसका भी एक शेड्यूल होना चाहिए कि एक घंटे बाद या दो घंटे बाद, या अगर किसी मोटर की चलने की कैपेसिटी 10 घंटे है तो कोशिश करिए 8 घंटे में ही उसको बंद करके 2 घंटे रेस्ट दे, दूसरी किसी मोटर का प्रयोग करें। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल से फायर प्रिवेंशन। दूसरा आता ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करते टाइम हम अपनी जो ग्राइंडिंग मशीन होती है उसमें गार्ड लगाएं। गार्ड से क्या होगा, आपका शरीर की बॉडी रहेगी, आंख नाक सब बचेंगे, साथ में ही उसकी जो चिंगारियां वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलेगी। पता लगे हम यहाँ ग्राइंडिंग कर रहे हैं उसकी छींटे इतनी दूर तक जा रही है, उधर जाके पता नहीं कौन सा ईंधन उसको मिल गया, आग लगी, तो गार्ड लगाओ। और उसके बाद कोशिश हो तो उस एरिया को बैरिकेड करो किसी भी टीन से, या एक फायर ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं आप वहां पे, ठीक है। ये भी हो गया ग्राइंडिंग से प्रिवेंशन। उसके बाद आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए ग्राइंडिंग वेल्डिंग जितने भी, पहली बात तो इलेक्ट्रिकल ग्राइंडिंग वेल्डिंग जितने भी आप वर्क करते हैं आप उसके अंदर सेफ्टी परमिट को फॉलो कीजिए, PTW सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो समझ लो 90% आग का खतरा टल गया।
क्योंकि वो परमिट 3 से 4 लोगों को ऑथराइज करना होता है, 3 4 लोग करते, अब कोई ना कोई तो आपको उसके बारे में बता ही देगा और आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा यार 4 लोगों से मैं साइन कराने जा रहा हूं, कोई भी हमारे से पूछ सकता है, कोई भी आके यहां पे चेक कर सकता है, तो मैं पूरा अरेंजमेंट करूंगा। तो समझ लो रीजन खत्म, आग से प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। वेल्डिंग करते टाइम जहां पे भी आप वेल्डिंग कर रहे हो तो ब्लैंकेट, फायर ब्लैंकेट का यूज करें, अगर वो भी नहीं है कोई ऐसा सामान है आसपास का एरिया बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी बैड हाउस कीपिंग वहां नहीं होना चाहिए, कोई भी जले वाला पदार्थ नहीं होना चाहिए, उसको पूरा रिमूव करना है। अगर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे कोई भी ब्लैंकेट डाल के थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डाल दो, वो ठंडा हो जाएगा, नहीं तो कोशिश करो कि ब्लैंकेट या बोरी को गीला करके निचोड़ के उसके ऊपर डाल दो, ताकि कोई भी आपका ग्राइंडिंग या वेल्डिंग का चिंगारी इसके ऊपर गिरती है तो गिरते ही वो बुझ जाएगी, अगर वो बुझिए तो फायर प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है बेड हाउस कीपिंग, जो भी बेड हाउस कीपिंग है उस पर फोकस कीजिए कि हमारे बिल्डिंग के अंदर है तो उसका कोई भी सॉकेट जो होती है इलेक्ट्रिकल सॉकेट होती है सबसे ज्यादा चांस वहां पे होती है, वहां पे किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कचरा नहीं होना चाहिए, कोई भी सामान उसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, उसके सॉकेट के जितने दरवाजे हमेशा लॉक होने चाहिए, लॉक रहेंगे तो कोई उसके अंदर जाएगा नहीं, कोई सामान रखेगा नहीं और फायर होगी नहीं। दूसरा, जितने भी हम मटेरियल डस्ट डस्टबिन में डालते हैं वेस्टेज, अगर वो शीशे का तो शीशे वाले को अलग डस्टबिन में डालो, पेपर वाले को अलग में डालो, और इंसुलेशन वाले हैं या मेटल वाले हैं उसको अलग में डालो, इनको इकट्ठा मत करो। तो बेड हाउस कीपिंग से भी आपका प्रिवेंशन हो गया। उसके बाद आता है हॉट सरफेस, कोई भी हम मोटर या किसी भी मान लिया दीवार है इसके उस तरफ मेरे को पता कि हीट रहती है, तो कोशिश करो कि इस साइड में या इसके बगल में कोई भी जलने वाली पदार्थ ना रखो, या कोई भी गर्म लाइन है हॉट सर्फ जहाँ पे लगे कि हाँ भाई ऐसा कौन सा एग्जांपल हम दे सकते हैं अपने घरों में, हमारा चूल्हा, चूल्हे के पास में हम घरों में गैस जलाते हैं, तो अगर हम गैस के पास में रखेंगे तो उसके पास का कोई मेटल होगा तो वो भी गर्म होगा, उससे फिर हीट ट्रांसफर होगी दूसरे मेटल को या किसी भी जलने वाले पदार्थ को मिलेगी, उससे फिर वहां पे हीट जनरेट होगी और आग लग जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन और ईंधन ऑलरेडी मिला हुआ है, अब हीट हमने वहां से दे दी, हीट ट्रांसफर होकर वहां भी आग लग गई। आप उसको दूर रखिए वहां पे एरिया जहाँ पे आपने घरों में देखा होगा, जहाँ पे शादी होती कढ़ाई, जहाँ पे हम चूल्हा जहाँ पे जलाते हैं गैस वाला, उसके आसपास में हम कुछ भी चीज़ नहीं रखते ना, तो इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसकी हीट दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो, तो उसको दूर रखें जलने वाले पदार्थ को। तो इससे भी हॉट सरफेस से भी हो गया प्रिवेंशन, फायर प्रिवेंशन हो गया। उसके बाद आता ओवर हीट, ओवर हीट का सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया था, ओवर हीट बोले तो क्या, जो चीज कंटिन्यू हम चला रहे हैं, हमारा हीट घरों में हम हीटर चला रहे हैं उसका भी हीट एक्सपेंड होता है, ओवर हीट होगा वो, अब ओवर हीट हो गया उसके आसपास का जो भी वायर है हो सकता है उसकी हीट वहां पे उसके ऊपर पड़े और वो ज्यादा यूज है, यानी जो हीटर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रखिए ताकि उसकी हीट को एब्जॉर्ब वो कर सके, अगर आपने खुला छोड़ दिया गर्मियों में तापने के चक्कर में तो हो सकता है दूसरे कोई भी पदार्थ को पकड़ ले, क्योंकि उसके पास में बैठते हो आपको देखा होगा कि हमारी पैंट भी हीट कर जाती है, हमारे कपड़े भी हीट कर जाते हैं, अगर हम लगातार वहां बैठे रहे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वो धीरे धीरे हमारे कपड़े जलने स्टार्ट कर देंगे, तो वो हो गया ओवर हीट होना। उसके बाद आता है ह्यूमन कैचेस, आदमी के लापरवाही से जो फायर होती है, आदमी की लापरवाही से होती है, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे बीड़ी या स्मोकिंग, नो स्मोकिंग जोन है तो वहां पे नो स्मोकिंग को आप फॉलो कीजिए, वहां पे पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे फ्लेमेबल वेपर उठते रहते हैं, तो आप वहां पे मोबाइल या बीड़ी सिगरेट का प्रयोग ना करें। आप खेतों में जाते हो तो कोई भी बीड़ी, अगर बीड़ी पीते हैं तो कोई बात नहीं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उसको प्रॉपरली बुझा करके फेंकिए, ऐसे ही नहीं फेंकने का है, ये भी आदमी के कारण होते हैं।
आदमी की लापरवाही के कारण आग लगती है। हमारे प्लांटों में जहाँ पे भी गैस वगैरह रहती है और डीजल पेट्रोल का स्टोरेज रहता है, वहाँ पे लिखा होता है ऑलरेडी फोन ले जाना अलाउ नहीं है, यहाँ पे स्मोकिंग नो स्मोकिंग जोन है, तो आप वहाँ पे फोन ना लेके जाएं। वहाँ पे लिखा भी होता है कि कोई भी टूल्स का हैमरिंग ना करें, हैमरिंग करने से भी हीट जनरेट होती है, तो उन चीज़ों से आप बचाव करें। तो ये था फायर प्रिवेंशन। ठीक है, आज का हमारा वीडियो फायर प्रिवेंशन के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो आप लोगों के पास टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।